नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन के अवसर पे नमकीन। नमकीन जो है बहुत, वैसे तो बाजार से आपको तरह तरह की नमकीने मिल जाती है, बट उससे बेटर होता है जब आप अपने घर से खुद से बनाते हो और हाइजेनिक तरीके से बनाते हो। बिल्कुल कम क्वांटिटी लगता है, आपको जो जितना पसंद है आप बना सकते हो और बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव होगा, क्योंकि हाइजेनिक तरीके से आप अपने घर में नमकीन बना सकते हो। नमकीन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आज जो हमने भी नमकीन बहुत सारे डिजाइन डाल रखा है नमकीन बनाने का। नमकीन बनाने का प्रोसेस एक ही होता है, बट उसका डिजाइन जो है तरह तरह के होते हैं, तो डिजाइन का मैं थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज होगा, बट बाकी तो सारा चीजें वही होती है। तो हमारे पास है 2 कटोरी मैदा, और देख रहे होंगे हमारे पास है अजवाइन कलौंजी, जिसे हमने मसल करके क्रश करके रखा है, और इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और प्रोसेस हमारा वही होता है, इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। आपके पास अगर घी है, घी यूज करना चाहते हैं कर सकते हो। तो 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि नमकीन हमारा जो है खस्ता हो, और इसी में डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून से भी कम जो है इसमें नमक लिया है। नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है, बिल्कुल 1 पिंच डाल देती हूँ, बाकी रख देती हूँ, ज़्यादा मतलब नमक नहीं डालना है। और अब हम इन सारे चीज़ों को जो है एक अच्छे तरीके से मोइन डाल दिया है, तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते हमें एक अच्छे से डो तैयार करनी है, थोड़ा कैडी डो तैयार करनी है, क्योंकि हमें इसे परतों वाली नमकीन बनानी है। हमें पूरी और जो है पूरी या उस रोटी का जो आटा बनाते हैं वैसे नहीं बनानी है, उससे भी सख्ता जो है हमें डो तैयार करनी है। तो फटाफट मैं इसको डो तैयार कर लेती हूँ। तो मोइन डाल दिया हमने इसके अंदर, बहुत अच्छे से जो है नमी आ गई है आटे में। और अब हम जो है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हम एक टाइट सा डो बना सके। एक टाइट डो बनाने के लिए हमने लगभग 2 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है, थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा हमें। लीजिए, अब नहीं लगेगा पानी इसके अंदर, क्योंकि आटा जो है अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और इसमें हम इसे मसल मसल के जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे ये ऐसे। तो इसे ही ऐसे ही मसल लेंगे, और थोड़ा से देर के लिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से थोड़ा सा फूल जाने के लिए इसे ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमारे डो को तैयार हुए हुए, ढक के रखे हुए। ये देखिए डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल हाथ पे, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसमें एक से दो बार इसे मसल लेंगे, और अब इसे हमने एक कढ़ाई रख दिया है गैस के ऊपर, और गैस को हमने ऑन कर लिया है, और उसके अंदर डाल देंगे ऑयल, क्योंकि हमें जो है परतों वाली नमकीन फ्राई करनी है। तो फटाफट हम ऑयल को डाल देते हैं इसके अंदर। आपके घर में जो ऑयल यूज होता है आप उसे यूज कर सकते हैं, हमने सफोला ऐड किया है। तो फटाफट नमकीन बना लेते हैं। तो एक अच्छे से जो है नमकीन बनाने के लिए थोड़ा सा आटा को अच्छे तरीके से मसल लेंगे, और इसका जो है हमें छोटी छोटी सी लोइयां बना लेनी है। तो ये हमने लोई बना लेती हूँ मैं इसका, देखिए लगभग 4 से 5 जो है हमारा लोई बनके तैयार हो गया है। फटाफट ये 4-5 जो लोई है इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा डस्टिंग करके मैदे के सहारे जो है इसे बेल लेंगे। तो अब हम इस पर, आपके घर में जो जिस पे जैसे चकला बेलन हो या जो भी हो जिस पे आप बेलते हो उसे बेल लें उस तरीके से। हम तो स्लेब पे ही बेलते हैं रोटी और खाना जो भी है।
तो फटाफट ले लेते हैं मैदा और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हमारा तैयार हो गया है। इसे एक अच्छे तरीके से पेड़ा बना लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल को मीडियम कर ले क्योंकि जब तक ये सारी रोटियां हम बनाएंगे तब तक ऑयल हल्का हल्का गर्म होते होते वो अपना रूप ले लेगा, गर्म हो जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा आटे में डस्टिंग कर लेंगे और ऐसे दबा के अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बारीक और पतला जो ये देख सकते हैं, एक हमने शीट बेल के तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से सारे शीट को जो है हम बेल के, देखिए इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि नीचे का सतह ये दिख रहा है, एकदम पतला है। और मैदे का एक खासियत है, वो जितना भी बेलो वो लौट के आता है, सिकुड़ जाता है बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, हम एक शीट तैयार कर लिए है, उसी तरीके से हम दूसरा शीट भी तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, पांचों का पांचों शीट बना के हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल का, थोड़ा सा इसके ऊपर हमें ब्रशिंग करना है। तो अच्छे तरीके से हम इसे एक सतह पर लेप सा लगा देंगे और इसके ऊपर जो है हम सारे जो एक एक करके शीट है उठा के रख लेंगे। शीट में एयर आ गया है बट हम इसको अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर शीट को फैला लेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर जो है सारे शीट को जो है ऑयल लगा लगा के इसको सही तरीके से हमें रख देना है। और सारा शीट पे हमने इस तरीके से ऑयल लगा लिया है और सारे शीट को जो है उठा उठा के हमने, ये हमारा लास्ट है जो पांचवा शीट हम रख रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा फैलाते हुए इसे शीट को हमने लगा लिया। ये देखिए, और अब हम इसको कट कर लेंगे चाकू से। तो थोड़ा सा ध्यान दें हम इसको कट करने के टाइम, थोड़ा थोड़ा स्टिक चौड़ा जो है जो पट्टी निकाल रहे थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी कट कर ले। तो नीचे हमने ये देखिए कितना बढ़िया सा बनके तैयार हो गया है। तो इस पे हम थोड़ा सा ब्रशिंग कर लेंगे फिर से ऑयल का और इसको हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है इसको, हल्के हाथों से प्रेस कर ले सिर्फ, और इसके थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। और हमने ये टू फिंगर लिया है, इस टू फिंगर के ऊपर इसे हमने राउंड राउंड कर लेनी है। इसमें कोई साइंस नहीं है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है ये कैसे बना होगा, बट बहुत ईजी और सिंपल, बहुत ईजी और सिंपल बना है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, और इसे जो है हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ फोल्ड कर लेनी है। ऐसे इसको भी जैसे कि ये दोनों सिरों को एक ही तरफ से मोड़ लेना है। और ये जो है थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेंगे। हमारा जो है नमकीन बनके तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और उसी तरीके से हम दूसरा बना लेते हैं जो है बना के इस तरीके से नमकीन को तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो फटाफट तेल के अंदर डालेंगे और इसे
फ्राई कर लेंगे। तेल के अंदर हमें एक ही डालना है ताकि हम इसको अच्छे से जो है फ्राई कर सके। आज को मीडियम साइज पे रहने दें, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेनी है। तो लीजिए, हमने सारे जो है नमकीन को अंदर डाल दिया है और इसके ऊपर इसी तरह से ऑयल डालते रहे ताकि ये अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे, परत लेयर बाई लेयर ये जो देखिए खुल जाए और खाने में उतना ही बढ़िया लगे। ये ऐसे लगता है जैसे कोई फ्लावर बनाया गया हो, बहुत ही बढ़िया खुला खुला सा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये बनाया हुआ नमकीन कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल और ईजी है और आप इसे चाय के साथ स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं, खाने में उतना ही बढ़िया बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, छोटा सा बिल्कुल, है ना, क्यूट क्यूट सा बिल्कुल, लेयर बाई लेयर जो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देखिए देखिए कितना बढ़िया से जो है ये बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे चाशनी बना के चाशनी में डाल लें, मीठा हो जाएगा। आप गुड़ के साथ भी चाशनी बना के डाल सकते हैं, खाने में उतना ही बेहतरीन। जैसे आपको नमक मीठा वाला, नमक परल मीठा वाला जो लगता है ना, सेम वैसे ही। तो इसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा करछी से टेढ़ा कर लेंगे ताकि ये जो है आसानी से बाहर आ जाए। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, लाजवाब दिख रहा है ना लेयर। ये देखिए हमने दूसरा भी बाहर निकाल लिया, बट ये सारी जो है अभी कच्ची है, ये बने नहीं है, तो इसी तरीके से हमें इसे सेकना है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्रंची और रेसिपी, बहुत गर्म है, ये देखिए कितना खस्ता खस्ता जो है ये बनके तैयार हो चुका है, खाने में उतना ही बढ़िया और अच्छा लगेगा। लेयर बाय लेयर सारे खुल जाएंगे ये और खाने में उतना ही बढ़िया। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट शेयर करें कि हमारा बनाया हुआ रेसिपी आपको कैसा लगा, और हाइजीनिक तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं, चाय के साथ ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट इस रेसिपी को तैयार करें, कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स में, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करें, खाने में बहुत ही खस्ता लाजवाब और बढ़िया, बहुत सुंदर लगता है। तो इस रेसिपी को जो है ज़रूर बनाएं। थैंक यू।